तेज बहाव वाली एक विशाल नदी के धार के बीच कोई इमारत 40 सालों से महफूज खड़ी रहे तो अपने आप में ये करिश्मा ही होगा। और ये चमत्कार बिहार के नवादा जिले के हरदिया गांव के पास हुआ है, जहां फुलवरिया डैम से सैकड़ों साल पुरानी एक मस्जिद नदी की धारा के बीचों बीच सुरक्षित पाई गई है। डैम का पानी सूखने के बाद जैसे ही ये मस्जिद नजर आई, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई है और आसपास के गांव वालों में इस मस्जिद के दीदार को लेकर एक होड़ दिखाई दे रही है। हर कोई इसे कुदरत का करिश्मा बता रहा है। दरअसल नवादा इन दिनों जबरदस्त सूखे की चपेट में है और हालात ये हैं कि इलाके की विशाल नदियों का पानी भी सूख गया है। फुलवरिया डैम भी इनमें से एक है। नदी सूखने के बाद यहाँ मस्जिद बरामद हुई है। ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। मस्जिद की बनावट और सामग्री के आधार पर कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। इंडिया टुडे ने स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1984 में फुलवरिया डैम बना था। उससे पहले इस इलाके में कुछ गांव आबाद हुआ करते थे जिन्हें बांध बनाने के लिए खाली कराया गया था और मस्जिद को यूं ही छोड़ दिया गया। बांध बनने के बाद मस्जिद नदी की धारा में समा गई और दूर से कभी कभार इसका गुंबद दिखाई दे जाता था। आज 4 से ज़्यादा दशक बाद जब नदी का जल स्तर घटा है तो ये मस्जिद वैसे ही महफूज खड़ी दिखाई दी है जैसे जब कभी वो तामीर हुई होगी। लगातार 40 वर्षों तक पानी में रहने के बावजूद मस्जिद की दरों दीवार मजबूती के साथ टिकी हुई हैं। जाहिर है कि नई पीढ़ी के लिए ये करिश्मा ही है और आम लोगों के लिए भी। आसपास के तमाम गांव के लोग मस्जिद देखने के लिए नदी में जा रहे हैं। हालांकि अभी यहां कीचड़ है, इसके बावजूद कुछ युवा मस्जिद तक पहुंचने में सफल रहे और वीडियो तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा है। मस्जिद सुरक्षित पाए जाने के बाद कुछ लोगों ने यहां नमाज अदा करने की ख्वाहिश भी जाहिर की, लेकिन बुजुर्गों ने इससे मना कर दिया। चूँकि मस्जिद बीच नदी में है और आसपास कोई भी आबादी नहीं है, इसलिए इसे आबाद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दरअसल जहां मस्जिद पाई गई है वो पहाड़ी और जंगली इलाका है, तो नज़दीक में गांव भी नहीं है, इसलिए इलाके के लोगों ने यहां नमाज की इजाज़त नहीं दी है। बहरहाल जिस तरह से इस बार नवादा की नदियों का पानी सूखा है और डैम का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है, उससे स्थानीय लोगों में बेचैनी महसूस की जा रही है। इस बात को लेकर कि अगर बारिश नहीं हुई तो इलाके में जल संकट गहरा सकता है। फुलवरिया डैम से करीब 90 गांव तक पानी पहुंचाया जाता है जो खेती बाड़ी के काम आता है, लेकिन अगर जलाशय ही सूख जाएंगे तो आगे गांव तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात की फिक्र आम लोगों की बातचीत में भी महसूस की जा रही है।